तेजस साइज के हिसाब से वहां मौजूद सभी एयरक्राफ्ट से छोटा था, लेकिन कहते हैं कि साइज मैटर नहीं करता क्योंकि तेजस ने जिस तरह से वहां पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तेजस एक ऐसा सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे भारत ने पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर के तौर पर पूरे विश्व के सामने पेश किया है। शक्ति दिखाता है युवा वायुसेना की और उसके साथ साथ नई गति के साथ बढ़ने वाली वायुसेना की। तेजस की कई सारी विशेषताएं हैं। तेजस की ये विशेषता है कि तेजस पूरी तरह से भारत में बना है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल तेजस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे 2001 में शुरुआत तो की गई थी और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में 2015 में शामिल किया गया। आने वाले दिनों में वो आसमान का बादशाह बन सकता है। और इस तरह की एक्सरसाइज में तेजस ने बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाया है इसमें, और अपनी कैपेबिलिटी क्षमता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया इस एक्सरसाइज में। और आने वाले दिनों में हम इस जहाज को विदेश में भी ले जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, और धीरे धीरे हमारे जैसे मैंने कहा टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स बढ़ते रहेंगे इस जहाज को लेके, एंड वी विल बी एबल टू एक्सपैंड इट टू इट्स फुलेस्ट कैपेबिलिटी। भारत तेजस को और ताकत देने के काम में जुटा है। एयरफोर्स का दावा है कि जल्द ही तेजस का नया वर्जन सामने आएगा और वो इससे भी ज्यादा तेज और ताकतवर होगा। हमारे साथ समीर वी कामत साहब हैं, डीआरडीओ के चीफ हैं। सर, गिव अस एन आइडिया, अभी क्या प्रिपरेशंस हैं तेजस के आने वाले जितने वेरिएंट्स आ रहे हैं? अभी तेजस 1 तो इंडक्ट हो चुका है, तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि G404 इंजन अभी हमें मिले नहीं है, बट 27 तक हम लोग ये पूरा उसका कंप्लीट करेंगे प्रोडक्शन। पहले 83 का ऑर्डर है, फिर 97 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर है, उसके बाद हम LCA मार्क 2 जो तेजस मार्क 2 कहते हैं उसका रोल आउट 26 में होगा और इंडक्शन 29 से शुरू होगा, और उसके बाद फिर एमका आएगा। 2034-35 से एमका का प्रोडक्शन शुरू होगा। तरंग शक्ति अभ्यास भारत में हुए 60 सालों में सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे के एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने का मौका होता है। इस मौके पर जर्मनी और फ्रांस के एयरफोर्स चीफ ने तेजस में उड़ान भी भरी तो स्पेन के एयरफोर्स चीफ और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने Sukhoi-30 में उड़ान भरी। हर एक्सरसाइज में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि दुनिया की ताकतवर से ताकतवर एयरफोर्स क्या करती है। भारत ने इस अभ्यास में न सिर्फ फाइटर प्लेन को शामिल किया बल्कि प्रचंड और सारंग जैसे हेलीकॉप्टर को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया। दरअसल कारगिल युद्ध के बाद ये समझ में आया था कि भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकत की जरूरत है, और ऐसी ताकत की जरूरत है जिसके जरिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पगल कट कर निकलना आसान हो जाए और ऑल वेदर कंडीशंस में। ऐसे में सारंग को लाया गया। सारंग यानी राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, लेकिन वो ऐसा पक्षी है जो जितना खूबसूरत है उतनी ही उसकी ताकत है। किसी भी मौसम में सारंग पर आप देखिए मोर बना रहता है। करीब 14 पायलट्स एक साथ इसको 4 सारंग लेकर ध्रुव, जिसको एडवांस्ड हेलीकॉप्टर माना जाता है, उसके साथ किसी भी फॉर्मेशन में, खास तौर से सारंग के फॉर्मेशन में, राष्ट्रीय पक्षी के फॉर्मेशन में उड़ते हैं। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से बड़ी आसानी से गुजर जाता है, और यही बताता है कि भारतीय वायुसेना न सिर्फ समुद्र के किनारे बल्कि पहाड़ों में भी उसी तरह से तकनीक और आधुनिक इस तरह के हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से लैस है। इस अभ्यास में बड़ी फोर्स के साथ मुठभेड़, एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस, डायनेमिक टारगेटिंग, कम रोशनी में संचालन, हाई वैल्यू एसेट प्रोटेक्शन और उसे नष्ट करना, हवा से हवा में ईंधन भरने के मिशन और कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल थे। ABP News आपको रखे आगे।